एंटी ड्रग एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग खरीदते हुए एक टीवी एक्ट्रेस के साथ साथ दो ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई में कथित तौर पर ड्रग्स खरीद रही एक 30 साल की टेलीविजन एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि एनसीबी को इस बारे में कुछ टिप ऑफ मिली थी, जिसके बाद एजेंसी ने इस पर एक्शन लिया। उन्होंने बताया कि कथित रूप से इस एक्ट्रेस को अंधेरी में एक ड्रग डीलर से गांजा खरीदते हुए गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने एक्ट्रेस और 20 साल के फैजल नाम के ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया है। उनके पास 99 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान सामने आया है कि इस ड्रग को दीपक राठौर नाम के एक शख्स से खरीदा गया था, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।